हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए अब हम करते हैं क्लास फोर मैथ्स के आगे के यूनिट। सो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर पूरा चैप्टर ही आपका मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है, आपको बस मल्टीप्लिकेशन की ही प्रैक्टिस करनी है। और उसमें हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, मतलब एक ही नंबर को बार बार प्लस करना, ऐड करना, और उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई भी करना। जैसे 2 + 2 + 2 + 2, तो हमने चार बार 2 को प्लस किया है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, 4 × 2, यानी 2 को चार बार मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से भी उसका मतलब बनता है ना। सो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाई करते टाइम, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना मतलब हम सीखते हैं टेबल्स, है ना, हमें टेबल्स पूरे आने चाहिए। मिनिमम एटलीस्ट आपको 1 से 10 तक टेबल याद करने ही होंगे, तभी आप मल्टीप्लिकेशन चैप्टर को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पहला नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है ना, जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट, है ना। जैसे एडिशन में हमने इन दोनों को एडेंट बोला था, सब्ट्रैक्शन में हमने मिनवेंट और सब्ट्राहेंट पढ़े थे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस बड़े नंबर को बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट, एंड जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाता है मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है आपका उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि एडिशन में हमने आंसर को सम बोला था, है ना, सब्ट्रैक्शन में हमने जो आंसर है उसे डिफरेंस बोला था, यहाँ पे हम उस मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके एक्सरसाइज 5.1 में आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, जैसे कि दो नंबर दिए जाते हैं और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको 7 9s करना है ना, और फिर आपका आंसर हो गया 63, तो आपने 3 को लिख दिया वंस प्लेस में और 6 को आपने अपने फिंगर्स में रखा, कैरी फॉरवर्ड में रखा है। तो पहले आपने 7 9s किया और फिर आपने 7 8s किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे का नंबर होता है ना, जो नीचे का मल्टीप्लायर होता है, उससे पहले आप वंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन आप टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 नंबर्स हैं तो आप पहले वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे, टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पे अगर सपोज एक और नंबर है तो हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसका आंसर 100 प्लेस में लिखेंगे। मतलब जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर उसी प्लेस में आएगा, और उसके साथ साथ कैरी फॉरवर्ड को भी अपने फिंगर्स में लेना है, क्योंकि उसे हम ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हमें आता है क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी किया है, तो मल्टीप्लाई ही आपको यहाँ पे करना है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। हम सबसे बड़ा नंबर ही लेते हैं, लास्ट 2 का नंबर, ठीक है। तो देखिए 4673 × 2, तो आपने क्या किया, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, है ना, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई। और ये करते समय जब आपके 2 डिजिट नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 3 2s are 6, ठीक है, उसके बाद फिर 3 7s आ गया 14, तो 14 के 4 को वंस प्लेस वाले नंबर को 4 को रखेंगे नीचे, और 1 को लेंगे अपने फिंगर में, यानी उसे हम मन में रखेंगे कि हमें ये बचा है, काउंट करना है। देन आपने किया 2 6s are 12, उस 12 के साथ इस 1 को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 13, है ना। देन 13 के 3 को नीचे लिखा, 1 को रखा अगेन अपने फिंगर में, हमें ऐड करना है ये। देन 4 2s are 8, उस 8 के साथ ये 1 ऐड हो जाएगा 9, और आपका आंसर हो जाएगा 9346, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर्स हो, आपको स्टेप्स यही फॉलो करना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बस 1 digit आपका मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करने हैं, यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, इसी तरीके से आप सारे करेंगे। अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। सो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही बेसिक से मल्टीप्लिकेशन करने हैं, जो कि ज़्यादातर आपके जीरोस के साथ हैं। तो जीरोस का आपको पता है ना, जैसे कि जब भी हम किसी नंबर को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, 56 × --- तो ये आपको याद रखना है, जीरो से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो बन जाता है ना। जीरो को चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर हो, लाइक 4,56,493, मल्टीप्लाई बाय जीरो तो बस सब कुछ खत्म, और वो आंसर होगा आपका जीरो, ठीक है। तो जीरो के साथ हम जिस भी
नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा बॉम्ब की तरह फट जाएगा और आंसर आपका जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझिए, याद रखिए इसको। पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है ना, 2 + 0 क्या होता है, वही नंबर होता है ना, 2 - 0 वही नंबर 2 है ना। बट मल्टीप्लाई में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते ही आंसर आपका बन जाता है जीरो। तो ये एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर आपका सेम आता है ना। जैसे 2 1s are 2 है ना, 5 1s are 5, तो वैसे ही 45,000 1s are 45,000, ठीक है। तो यही है सिंपल। तो छोटे छोटे नंबरों के साथ जब आप सोचोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े नंबर्स का भी रूल तो सेम ही है, तो आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आंसर आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई डैश एंड देन 45, तो कितना भी मल्टीप्लिकेशन हो लेकिन इसका आंसर 0 आया हुआ है, उसका मतलब है कि बीच में कहीं 0 है, क्योंकि 0 ही है जो सबको ख़त्म कर देता है और 0 में ही आंसर रह जाता है। तो यहाँ पे फिर वो खाली स्पेस पे आप लिखेंगे 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आंसर आपका यहाँ पे 0 आया होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सोचना है। अब देखिए 11 मल्टीप्लाई बाई 2 × 4, तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, 11, तो आप यहाँ पे 11 लिखेंगे, बाकी 2 × 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और देन एक और डैश है यहाँ पे स्पेस, उसमें आपको लिखना है 88, क्योंकि इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करके उसे आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। देन 850 × 8, और यहाँ पे 8 × 850, जैसे हम करते आए हैं ना, बहुत सारे ब्लैंक्स इधर उधर छोड़ देते हैं, तो आपको बताना होता है कि कौन सा मिसिंग है। अब देखिए यहाँ पर भी इक्वल के इस तरफ एक नंबर है, इक्वल के इस तरफ एक नंबर है, और बीच में उनका रियल मल्टीप्लिकेशन नंबर है, यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिसिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 मिसिंग है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 600 से मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 से 600 सेम होता है। तो चाहे आपने लेफ्ट को राइट में लिख दिया, राइट नंबर को उठा के लेफ्ट में डाल दिया, तो मतलब सेम ही है। चाहे आप 2 को मल्टीप्लाई 6 करें या 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, आंसर इज 12 है ना। तो यही है, लेकिन कुछ बड़े नंबर्स के साथ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 फाइंड, मतलब आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 115 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखिए 10, 100, 1000, इन सब का एक ये रूल है कि आप चाहे कितने भी बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी जीरोस होंगे ना उस नंबर में, उतने जीरोस आपको आंसर में ऐड कर देना है। बहुत ही ईजी है। जैसे देखिए 425 से अगर आपको 100 को मल्टीप्लाई करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका आंसर 425 होगा और 100 के जो 2 जीरोस है ना वो आपको यहाँ पे लगा देने हैं, क्योंकि उतनी बार वो 100 टाइम्स वो नंबर बन जाता है, मतलब 100 के 2 जीरोस आपने उसमें लगा दिया। अब चाहे 1000 होगा तो 1000 के 3 जीरोस आपने उसी नंबर के साथ लगा दिया और वो आपका आंसर बन गया, मतलब प्रोडक्ट बन गया। अब उसी तरीके से नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी पूरा जीरोस के साथ दिया हुआ है, आपको सिर्फ मेन नंबर देखना है। जैसे 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो देखिए 3 3s are आपको पता है कि 9 है ना, तो 9 के साथ इस 30 के जीरो को भी लिख देंगे तो आंसर हो गया 90। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 300 मल्टीप्लाई बाई 3, तब भी कोई बात नहीं क्योंकि 3 3s are आपको पता है 9, और जो 300 के 2 जीरोस हैं वो भी लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा 900। इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। जितने जीरोस हैं उतने जीरोस आप आंसर में ऐड करेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, फर्स्ट के जो 2 छोटे नंबर्स होते हैं, क्योंकि जीरोस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे जीरोस आपके आंसर में आ जाते हैं, है ना। जैसे 2 2s are 4, बस इतना ही आपको पता होने की ज़रूरत है, तो 2 2s are 4 हो गया, और बाकी कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 4 जीरोस हैं, वो 4 जीरोस आपके आंसर में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा 40,000। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे सिंपल सा आपका मल्टीप्लिकेशन है, जीरोस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 416 मल्टीप्लाई बाई 400, तो आपको यहाँ पे 416 मल्टीप्लाई बाई 400 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 416 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। और जो आपका आंसर होगा ये 1664, इसके साथ फिर आप लगाएंगे आपके 400 के 2 जीरोस, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप उसे फिर ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, लगा देंगे, तब आपका आंसर बन जाएगा 1,66,400, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं जीरोस वाले सारे मल्टीप्लिकेशंस।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्टकट मेथड से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि जीरोस को हटा के छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और जीरोस को पीछे जोड़ के लिख देना, वही होता है शॉर्टकट मेथड से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे कि आपने ये कैसे करना है, जैसे कि एक नंबर देख लेते हैं, 987 से 100 को मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है, बस 987 लिख दिया और 100 के दो जीरोस आंसर में हमने लगा दिया, ठीक है। बस आपने क्या किया है, यहाँ पे 743 से सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो वो 743 ही है और आंसर में तीन जीरोस भी आपने लगा दिए, तो आपका इतना बड़ा आंसर आपको मिल गया, वो भी एक सेकंड में, है ना। तो ये है शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन, और ये तभी पॉसिबल है जब जीरोस वाले क्वेश्चंस आते हैं। जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि जितने जीरोस है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 200 मल्टीप्लाई बाई 100, सो आपको सिर्फ 2 वन्स आर देखना है, तो 2 वन्स आर 2 हो गया पर, एंड देन आपने 200 के दो जीरोस और 100 के दो जीरोस, ये दोनों आपको आंसर में लगाना है। जितने भी जीरोस आपके मल्टीप्लिकेशन में है वो आप आंसर्स में लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 20,000, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज 5.2। सो आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।